दोस्तों स्वागत है आपको इकोनॉमिक नॉलेज पर। जीबी के पावर एंड इंफ्रा इस कंपनी के शेयर में जो एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए जीबी के पावर एंड इंफ्रा में जो है इसका जो मतलब बोलते हैं कि इंसॉल्वेंसी को लेकर जो अपडेट आया उसके बाद देखेंगे तो शेयर का प्राइस जो है डाउन बना और फिर से जो है शेयर में एक बार तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जीबी के पावर एंड इंफ्रा के जो प्रमोटर्स है हो सकता है कि लेंडर से कुछ बातचीत कर रहा है इसके जो डेप्ट है वो क्लियर करने के लिए या फिर ऐसा कुछ मतलब बातचीत हुआ है जहां पे कंपनी जो है आगे चल के इसके जो पेमेंट्स वगैरह है वो क्लियर करेगा। लगभग 18,000 करोड़ के आसपास पेमेंट क्लियर ना है जीबी के पावर को। जीबी के कोल ने जो लोन लिया था उसका जो पेमेंट है वो अभी जीबी के पावर को करना है। शेयर के प्राइस जो अभी एक तेजी बना रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने जीबी के पावर के शेयर में शायद से थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। अभी यहाँ पे जो बात आ रहा है कि जीबी के पावर में अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ बिजनेस है जहां पे अदानी भी इन्वॉल्व है। तो क्या चल रहा है जीबी के पावर के शेयर में, क्या अपडेट है जीबी के पावर में, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। और क्या एशिया यहाँ से तेजी बना सकता है, रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहते भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। जीबी के पावर के जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है जहां पे कंपनी के लगभग 18,000 करोड़ के आसपास पे करना है। तो कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिग्निफिकेंट इसके जो डेप्ट है जिसका अमाउंट बताया जा रहा है लगभग 18,000 करोड़ है एंड व्हिच इज बिकम अनसस्टेनेबल। प्रोजेक्ट डिलेज की बात करते हैं, डिले इन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एयरपोर्ट एंड पावर प्रोजेक्ट लीड टू कॉस्ट जो है इसका एंड रिड्यूस रेवेन्यू जनरेशन। कंपनी का जो है जीबी के पावर का देखते हैं, देखिए जीबी के पावर के जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स कैसे मार्केट में बहुत सारे बिजनेस है जहां पे बोल सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट है। जीबी के पावर के जो प्रमोटर्स है इनका मार्केट में से बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। अभी जीबी के पावर के जो है ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है दोस्तों बोलते थे कि जहां पे प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहा है जिसके चलते कंपनी का जो बोलते कि एयरपोर्ट मतलब इंक्लूडिंग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है जिसमें डिले हो रहा है, जिसके चलते अगर देखते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन है फिर रेवेन्यू जो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है जीबी के पावर का। ओवरऑल चैलेंजेस की बात करते हैं जीबी के पावर का जो कि ऑपरेशनल जो है इनसफिशियंसीज है एंड चैलेंजेस इन मैनेजिंग लार्ज scale प्रोजेक्ट्स पर द सस्टेन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो कंपनी जीबी के पावर करके देखती है तो इसके ज्यादातर जो सब्सिडियरी कंपनीज है उसमें से कुछ खास फायदा कंपनी को नहीं होता है जीबी के पावर। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन फ्यूल प्राइसेस एंड रेगुलेटरी चेंजेस ऑल्सो इम्पैक्टेड देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जीबी के पावर और अदानी ग्रुप का जो कनेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा है कि जीबी के पावर और अदानी ग्रुप के बीच में क्या चल रहा है। देखिए अदानी ग्रुप जो यहाँ पे जीबी के पावर के कुछ बिजनेस का एक्विजिशन किया था। ग्रुप जो है टेक मतलब देख सकते हैं टेकिंग ओवर डेप्ट ऑफ जीबी के एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड व्हिच होल्ड्स 50% जो है इक्विटी स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मूव अलाउज अदानी टू कन्वर्ट द डेप्ट इनटू इक्विटी गिविंग देम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन जो बोलते कि MIL। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है यहाँ पे लगभग देखेंगे तो 50% के आसपास का स्टेक जो यहाँ पे जीबी के पावर का लिया है अदानी ग्रुप ने। इंटरेस्ट जीबी के पावर्स इन पंजाब यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते अदानी पावर जो है अलोंग विद मतलब जिंदल पावर एंड वेदांता हैज शोन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग जीबी के पावर्स पंजाब यूनिट। तो पंजाब यूनिट का जो इसका बिजनेस है वो भी यहाँ पे खरीदने के लिए जीबी के पावर और यहाँ पे जिंदल वगैरह जो है जिंदल पावर मतलब पावर जो है यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा है। यूनिट ऑपरेट्स लगभग 2 जो है थर्मल पावर प्लांट्स। तो अभी यहाँ पे अदानी बॉर्डर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी इसके जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बियॉन्ड जीबी के अदानी पावर इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग 18,000 करोड़ टू एक्सपेंड इस कवाई पावर प्लांट इन राजस्थान बूस्टिंग इस कैपेसिटी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं पावर सेक्टर जो कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, पावर सेक्टर का अगर देखते हैं तो मार्केट में एक बहुत ज्यादा डिमांड पावर सेक्टर में भी चल रहा है। पावर सेक्टर से बहुत सारी कंपनीज को मार्केट में अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट में जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर से कंपनीज करेगा तभी जाके ये सब कंपनीज को एक प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जीबी के पावर अगर जीबी के क्या जो बोल सकते जो लोन है या फिर जो डेप्ट है 18,000 करोड़ के आसपास वो अगर क्लियर करता है तभी जाके इस कंपनी जो है इसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा या फिर इस कंपनी के जो शेयर में तेजी बनेगा या फिर इस कंपनी को बोल सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा आगे चल के। डेप्ट एक्विजिशन की बात करते हैं, जो अदानी ग्रुप है एक्वायर्ड जीबी के एयरपोर्ट डेवलपर लिमिटेड फ्रॉम वेरियस लेंडर्स इंक्लूडिंग ए कंसोर्टियम लीड बाय गोल्डमैन सैक्स HDFC एंड यहां पे देखते हैं तो दिस मूव वाज पार्ट ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट टू हेल्प स्टेबलाइज जीबी के फाइनेंशियल सिचुएशंस। तो जीबी के पावर की जो इंसॉल्वेंसी अभी चल रहा है जीबी के पावर का, तो देखिए इसके पहले भी जीबी के पावर के बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो जीबी के ने सेल किया है। वही अगर बात करते हैं तो जीबी के पावर के जो प्रोमोटर्स है इनका जो है अगर देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहां पे इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है जीबी के पावर के प्रोमोटर्स ने। तो अभी यहाँ पे इक्विटी स्टेक इन मतलब जो मतलब मुंबई के एयरपोर्ट का जो इन लोगों ने सेल किया है जीबी के पावर का एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की बात करते हैं, जीबी के एंड अदानी एग्री टू कॉर्पोरेट टू इम्प्रूव
फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ MIL एंड HE फाइनेंशियल क्लोजर फॉर द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज द, अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी बना रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है जीबी के पावर के शेयर का प्राइस 6.74 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं, एक दिन में 2% के आसपास जीबी के पावर के शेयर ने रिटर्न दिया है, और एक हफ्ते में बात करते हैं तो 12.2% के आसपास शेयर के रिटर्न दिया है, और वन मंथ में देखते हैं तो जीबी के पावर के शेयर ने 37% रिटर्न दिया है कंपनी के शेयर में दोस्तों। तो जीबी के पावर के शेयर में कुछ दिन में जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। वन मंथ में देखते हैं तो जीबी के पावर का आप देख सकते हैं 6.74 पैसे का जो इसने एक हाई प्राइस बनाया 6.74 रुपीज पैसे का, वही दोस्तों जो लो प्राइस बनाया वन मंथ में 4.52 पैसे का। एक हफ्ते की बात करते हैं 6.74 पैसे का इसने एक हाई प्राइस बनाया और लो प्राइस बनाया 6.13 पैसे का, और एक दिन में देखेंगे तो शेयर में जो है देखिए जीबी के पावर के शेयर में कुछ दिन में अपर सर्किट लग रहा है। अभी आप एक दिन में देखते तो लगभग 6.74 पैसे का जो इसका एक हाई मतलब जो है प्राइस देखने को मिल रहा है, जो लो प्राइस है 6.61 पैसे का, जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है लगभग 6.61 पैसे के आसपास, 6.61 या 6.62 पैसे के आसपास है, उसमें से देखते तो शेयर का प्राइस में जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। जीबी के पावर का देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स ओवर 5 इयर्स निफ्टी 500 का, एंड कंपनी का देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे अच्छा खासा है। कंपनी के जो मतलब प्रमोटर्स है उनका जो स्टेक देखते हैं तो 0% स्टेक जो है प्रमोटर्स का प्लेज, मतलब प्रमोटर्स का जो स्टेक है कुछ प्लेज वगैरह जीबी के पावर का यहाँ पे नहीं है। तो कंपनी देखिए जीबी के पावर का देखते तो जीबी के पावर का ज्यादा कुछ फिलहाल डेट वगैरह नहीं है, क्योंकि देखते तो कंपनी जो है बहुत सारे इसके बिजनेस को सेल भी किया है, और जीबी के पावर का देखते हैं तो फिलहाल जो इसके बहुत सारे सब्सिडीज है जहाँ से कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जीबी के पावर का जो 1064.4 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं जीबी के पावर के शेयर को लेके, टेक्निकली शेयर जो एक बोल सकते कि 42 पैटर्न बांटा हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर एक 42 पैटर्न बांटा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए टेक्निकली जीबी के पावर के शेयर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है, मतलब इंसॉल्वेंसी में कंपनी चल रहा है और प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक होल्ड करके रखा है। 54.25% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है जीबी के पावर का। FIIs के पास 0.85% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.49% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 44.4% का स्टेक है जीबी के पावर का। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं जीबी के पावर में जो अभी आप इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहां पे हो सकता है कि देखिए शेयर इतना तेजी बना रहा है, कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में चलता है शेयर का प्राइस जो है डाउन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो है शेयर में थोड़ा बहुत जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिलता है। तो शेयर का प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है, जो कि अगर देखेंगे तो बीच में जो लगभग ये शेयर 4.5 रुपए के आसपास पहुंचा, और वहां से अगर देखते तो शेयर के प्राइस में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। बहुत सारे बल्क डील भी हुए हैं जीबी के पावर के शेयर में, ऐसे बहुत सारे डील्स है बल्क डील्स वगैरह जहां पे बहुत सारे शेयर जो है खरीदा गया है जीबी के पावर के शेयर में। तो अभी यहाँ पे अगर देखते तो शेयर का प्राइस तेजी बना रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो चल रहा है दोस्तों जिसके चलते शेयर में बन रहा है। हो सकता है कि प्रोमोटर्स जो है आगे चल के इसके जो पेमेंट्स है वो सब क्लियर करें। फिलहाल अगर देखेंगे इसको लेके जो है मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज देखने को नहीं मिल रहा है। आपको कैसा लगता है दोस्तों जीबी के पावर का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।